जयपुर का जहां पर टाटीबंध के आदर्श स्कूल प्रबंधन ने 8 सितंबर तक ट्यूशन फीस अदा नहीं करने पर छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने का नोटिस दिया है। इस पर गुस्साए पालकों ने शुक्रवार को स्कूल का घेराव कर दिया। इसके साथ ही फीस को कम करने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। पालकों ने कहा है कि मांग नहीं माने जाने पर अगले शुक्रवार को फिर उग्र प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उनका ये था कि ट्यूशन फीस में उनको रिलैक्सेशन चाहिए करके, तो बट हमारे यहाँ जो ट्यूशन फीस जो चार्जेस होते हैं वो खाली ट्यूशन फीस ही उसमें रहता है, नथिंग और कुछ चीज उसमें ऐड है ही नहीं। जो ट्यूशन फीस आप लोग भेजे उसमें डिफाइन है क्या क्या अलग अलग चार्ज है कौन सा? नहीं नहीं नहीं, खाली उसमें ट्यूशन फीस ही है, उसमें ना ही हमने कोई अलग एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें ऐड है कि जो मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के चार्जेस या फिर कोई अलग चीजें उसमें ऐड नहीं। आक्रोश में आकर पाला के यहाँ स्कूल पहुंचे हैं, जानते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं और अब तक किनसे इनसे चर्चा हुई है। आज यहाँ पे आप आए हैं, क्या बातचीत हुई स्कूल प्रबंधन से आप लोगों की? हम लोगों ने स्कूल प्रबंधन को अपनी तरफ से शिकायत पत्र दिया हुआ है, इन्होंने एक हफ्ते का समय लिया है, एक हफ्ते में ये जवाब देंगे। क्या जवाब दे रहे हैं उसके ऊपर आगे हम लोग फिर स्कूल प्रशासन से बात करेंगे। सभी स्कूलों में फुल फीस यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा रहा है फीस का। मेरे बेटे क्लास 2 में है और उसकी फीस 2,050 रुपए है। ये लोग हमको क्लियर नहीं कर रहे हैं कि हमारी ट्यूशन फीस क्या है, हमको ट्यूशन फीस कितनी देनी है। ये लोग बोल रहे हैं हम सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी फीस हमारे स्कूल में नहीं लिया जाता है। जब से हमारी स्कूल चल रही है, जब से हमने कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। ये लाइब्रेरी फीस होता है, स्पोर्ट्स फीस, ऐसा कुछ इनका इंक्लूड है क्या? इसमें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ उनका एक ही कहना है कि हमको ट्यूशन फीस चाहिए। एक बार वो हमको बता दे कि उनका ट्यूशन फीस क्या है तो हम वो देने के लिए भी तैयार हैं। आज तक के दिए ही उनको इतना पैसा, कभी तो कोई जा करके नहीं बोला कि नहीं देना है करके, लेकिन अभी वो हमको बता देना कि ट्यूशन फीस में क्या आ रहा है तो हम उनको देने के लिए तैयार भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल प्रशासन को चाहिए कि हमारी बातों के साथ चले। इतने साल से वो कमा ही रहे, जो भी कर रहे हैं, हम लोग इतने साल से बच्चे पढ़ा रहे हैं और अब वो बोल रहे हैं कि हाफ ईयरली में हम लोग बैठने नहीं देंगे जब तक फीस नहीं पटाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग ने पहले भी 4 बार आ चुके हैं, ये जवाब नहीं दे रहे हैं, अभी फिर भी एक बार और बोले, उनको अभी समय ले लिया तो बोले शुक्रवार तक का समय दो, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि उसके बाद भी ये जवाब देंगे। अगर आप लोग जो मांग किए हैं अगर वो मांग नहीं मानी गई शुक्रवार तक तो आगे क्या कदम उठाएंगे? तो हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री के पास भी हम लोग जाएं और हम लोग चाहते हैं कि सीएम के पास भी जाएं, हम लोग के हमारी कोई सुनवाई की जाए। अभी आपने उन पालकों को सुना जिनको नोटिस भेजा गया है कि आप ट्यूशन फीस नहीं भरते हैं तो उनके बच्चों को निकाल दिया जाएगा। फिलहाल इनको शुक्रवार तक का समय दिया गया है, अब देखना ये होगा शुक्रवार के बाद क्या नतीजा आता है, फिर पालक किस तरह के कदम उठाते हैं। कैमरामैन जगह के साथ सत्यराज पूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। रायपुर में डॉक्टर एस एल आदिले के खिलाफ